हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजन टेक। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्डुइनो यूनो के बारे में। ये एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि ये ओपन सोर्स होता है। तो गाइस, आज इससे हम बनाने वाले हैं एक PIR मोशन सेंसर को इससे कंट्रोल करेंगे, जो कि ये केवल कोडिंग पर ही वर्क करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से पिन होता है इस दोनों साइड में। यहाँ पे डिजिटल इनपुट रहता है और यहाँ पे एनालॉग इनपुट रहता है। फिर यहाँ पे पावर का सेक्शन है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा आउटपुट है जो कि 8 से 13 तक है। तो चलिए गाइज, इस आर्डुइनो में सबसे पहले इस PIR सेंसर का मैं वायरिंग करूँगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक PIR मोशन सेंसर का। तो गाइज, आप इसमें देख सकते हैं 3 वायर है, VCC, ग्राउंड और बीच में जो है मेरा आउटपुट है इस सेंसर का। तो ये वाला प्लस है और वो माइनस, और बीच में जो है आउटपुट है सेंसर का। और हम इस PIR सेंसर के साथ में एक सिक्योरिटी अलार्म, जो कि ये बजर है, और ये रिले मॉड्यूल है जो कि एक साथ कनेक्ट है इसमें। तो इसका भी 3 वायर आता है, इन प्लस माइनस और ये जो बीच में रहता है ग्रीन वाला, ये इसका इनपुट है जो कि इस आर्डुइनो के द्वारा आउटपुट वाला इसमें कनेक्ट होगा, और सेंसर का आउटपुट इस आर्डुइनो के इनपुट में कनेक्ट होगा। तो चलिए हम इन सारे वायर को कनेक्ट करते हैं। तो गाइज, इस आर्डुइनो का जो ग्राउंड है और प्लस 5 वोल्ट है, तो इस दोनों को इसमें कनेक्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट लिखा हुआ है और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो इन दोनों पिन में PIR सेंसर का प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दिए हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। और फिर इसके ग्रीन वाले वायर यानी सेंसर का आउटपुट पिन को आर्डुइनो के डिजिटल इनपुट में कनेक्ट करेंगे, जो कि 2 नंबर से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे, आप जिस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद में उस सिक्योरिटी अलार्म को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस ग्रीन वाले वायर को पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कनेक्शन अब हो चुका है बीच वाले पे। और इसका जो बचा है प्लस और माइनस वायर, जो कि जहाँ से हम 12 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स देंगे इस आर्डुइनो को, वहीं से हम इस रिले मॉड्यूल को भी कनेक्शन दे देंगे, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में कनेक्ट कर देंगे, और फिर इस पिन को इस आर्डुइनो में लगा देंगे। इसके बाद मेरा ये कनेक्शन रेडी हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्डुइनो ऐप है, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। तो गाइस, ये मेरा ओपन हो चुका है ये आर्डुइनो। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहां देख सकते हैं अपलोडिंग हो चुका है और डन अपलोडिंग लिख दिया है। तो चलिए अब हम उसको चेक करते हैं। तो गाइस, चलिए हम इस सेटअप को अब चेक करेंगे, जैसे कि इसमें ऑन करके रख देंगे और फिर इसके आगे से जो ही मूवमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ये PIR सेंसर। तो आप देख सकते हैं कि उसमें रखा हुआ है मेरा PIR सेंसर।
तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आया अंदर इस रूम के, तैयार ही ये PIR सेंसर मेरा बजने लगा, यानी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी का मोशन यहाँ से होगा तो ये ऑटोमेटिक मैंने इस रूम के अंदर आए, और वैसे ही ये मेरा PIR सेंसर ऑन हो चुका। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।